रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव को दरकिनार कर रूस से ज्यादा क्रूड खरीदने का जो फैसला लिया था उसका असर अब दुनिया में दिखने लगा है। भारत की रणनीति ने क्रूड बाजार में भारी उथल पुथल मचा दी है। ये होना तो तय ही था क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड आयात करने वाला देश है। ऐसे में इराक और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत जैसे खरीदार को छिटकते देख रूस की तरह क्रूड की कीमत में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने का फैसला क्रूड बाजार की पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। अभी तक एशियाई डिस्काउंट की भारत की मांग को तेल उत्पादक देश कोई भाव नहीं देते थे, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार दिख रहे हैं। इराक और दूसरे एशियाई क्रूड उत्पादक देशों ने भारत को आगे भी आकर्षक रेट पर क्रूड आपूर्ति करने का वादा किया है, जिसकी वजह से ही जुलाई 2022 में जहां भारत की तेल कंपनियों ने क्रूड के लिए औसतन $105.49 प्रति बैरल का भुगतान किया था, वहीं अक्टूबर में सिर्फ $91.70 प्रति बैरल की औसत दर से कच्चा तेल खरीदा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कम कीमत पर क्रूड खरीदने के चलते ही 6 अप्रैल 2022 के बाद से भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल नहीं मिला होता तो घरेलू बाजार में 6 माह से भी ज्यादा लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखना मुश्किल था। अब इन दोनों उत्पादों की खुदरा कीमतों में कटौती की भी संभावना बनी है। एनर्जी कार्गो की ट्रैकिंग करने वाली लंदन स्थित कंपनी वॉर्टेक्सा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अक्टूबर में रूस ने भारत को रोजाना 9.60 लाख बैरल क्रूड की आपूर्ति की। भारत ने अपनी कुल क्रूड खरीद का 22% रूस से खरीदा है, जबकि इराक 20.5% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सऊदी अरब से भारत 16% कच्चा तेल खरीद रहा है। इस नए समीकरण में भारत ने अमेरिका से काफी कम तेल खरीदा है। अमेरिका से भारत ने क्रूड की खरीद 2017-18 में ही शुरू की थी और थोड़े ही दिनों में यह भारत के सबसे बड़े 5 आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया था। डिस्काउंट की वजह से अक्टूबर में भारत ने सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदा और दूसरे स्थान पर इराक रहा, जबकि भारत को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करने वाला देश सऊदी अरब अब तीसरे स्थान पर आ गया है। पिछले कई वर्षों से भारत के लिए सऊदी अरब, इराक और यूएई सबसे बड़े तेल उत्पादक देश रहे हैं। रूस का स्थान आपूर्तिकर्ता देशों में 10वां था, जो अब पहला हो चुका है। क्रूड निर्यातक देशों की ओर से भारत के लिए डिस्काउंट का यह ऑफर साफ बताता है कि भारत की मोदी सरकार ने रूस से क्रूड खरीदने का जो फैसला लिया था वो फायदे का सौदा साबित हुआ।